जय श्री कृष्णा और राधे राधे। दोस्तों, एक भाई की मेरे पास कॉल आती है कि बोल रहा था कि भाई आपकी पता नहीं चलता कभी कहीं रहते कहाँ हो आप। मैंने बोला ये तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि आज मैं यहाँ हूँ, कल की मेरे को भी नहीं पता कहाँ रहना है। तो वो बोल रहा था कि आपके मजे हैं, मैंने ये मेरे को ये भी नहीं पता मजे हैं या टेंशन है। मैंने फिर वो बोला कि बाकी बातें तेरे को बाद में बताऊंगा, लेकिन मैंने उसे सवाल किया, अच्छा ये बता कि तूने भी सुना होगा, मैं भी सुनता आया हूँ कि बगैर भगवान की मर्जी के क्या नहीं होता। बोल रहा है क्या नहीं होता, मतलब मैंने बोला कि थोड़ा माइंड लगा। अक्सर करके लोग बोलते हैं बगैर भगवान की मर्जी के, तो उसने बोला पत्ता नहीं हिलता। तो मैंने बोला बगैर भगवान की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, तो भाई मैं तो 55-56 के लोग का हूँ, तो मैं कैसे हिल जाऊँगा। तो उसमें भी है ना, भगवान की मर्जी होती है, जहाँ भोले बाबा पहुँचाते हैं वो पहुँचा ही देते हैं। और इसमें मेरी नहीं ना तो कोई मर्जी है ना कुछ है, मेरी कोई हैसियत नहीं है कहीं आगे बढ़ने की, उनको जहाँ भेजना होता है ना वो पहुँचा ही देते हैं। और हर जगह से मैसेज कॉल आ जाती हैं, नहीं तो आपने देखा होगा पैसा भी होता है लोगों पे, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं लेकिन टाइम नहीं होता। और वो ऐसी बात नहीं है कि वो टाइम की कदर नहीं करते, वो टाइम की कदर करते हैं, प्लान भी बनाते हैं, लेकिन आखिरी समय पर उनके प्लान कैंसिल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो दोस्त, क्या उनके लिए भगवान नहीं है? भगवान सबके लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ में भरोसा करते हैं कि हम कर रहे हैं। और मैंने काफ़ी दोस्तों से बात की तो वो हमेशा एक चीज़ और बोलते हैं कि भगवान क्या बिगर कर दे जाएगा। जो बोलते हैं ना कि भगवान क्या बिना करे दे जाएगा, हाँ मैं बोलता हूँ वो दे जाएगा, उस पर भरोसा करो। और जो आप सोचेंगे ना वो आपको बिना करे मिल जाएगा। और जो आप सोचेंगे कि मैं ही कर रहा हूँ, तो मेहनत करके मर जाओगे, मेहनत खूब करोगे लेकिन खाना भी नसीब नहीं होगा। और लोग बोलते हैं भगवान मतलब हमें खाना मुँह में थोड़ी दे जाएगा। भाई उसकी मर्जी से ही खाना मुँह में जा रहा है आपके, नहीं तो थाली आपके सामने होगी, ऐसी कोई बुरी खबर आ जाएगी कि आप खाना खा ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि कभी कभी ऐसी जगह से कॉल आ जाती हैं, करे उमिर भाई कोई ज़रूरत पड़े तो हमें बताना, और उस टाइम मेरे को ज़रूरत होती है पैसे की या जॉब की, तो कोई अनजान लोग ही होते हैं, अनजान या बहुत दिनों से उनसे संपर्क नहीं है, उनसे उनके कॉन्टैक्ट नहीं है, वो कॉल करते हैं। तो काफ़ी बार हुआ है मेरे साथ, अभी यहाँ बैठा हूँ तो 3 साल पहले मेरे दोस्त ने मेरे साथ जॉब की थी, उसकी मेरे पास कॉल जाती है। मैं आधा घंटा पहले सोच रहा था कि भाई उसका नंबर मेरे पास होता तो मैं उसे कॉल करता कहाँ जॉब कर रहा है, लेकिन सिर्फ सोचा था, आधा घंटे बाद उस भाई की कॉल जाती है। उसका नाम है साहिल, उत्तराखंड से है। उसकी कॉल जाती है कि भाई उमिर भाई आपको जॉब करनी है क्या, ये है सारी उसने कंडीशन बताई यहाँ की। अरे मैंने बोला भाई भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैं तेरे बारे में सोच रहा था, तेरी कॉल आ गई। इससे बोलते हैं कि भगवान बेगन बिना करे दे जाता है। मैं अहमदाबाद आया तो नहीं था, ना उस भाई का कॉन्टैक्ट था मेरे पास, लेकिन मैंने सोचा तो भगवान पर भरोसा था ना, तो उसने उस साहिल से बोला भाई तेरे को याद कर रहा है उस पर कॉल कर ले। तो भगवान मैसेज भी देता है सामने वाले को। ये दिमाग से निकाल दो कि भगवान बिगर करे क्या दे जाएगा कि मुँह में खाना दे जाएगा, इतना ज़रूर है आप अपने बारे में ज़्यादा सोचोगे ना, ज़्यादा मेहनत करने वाले बनोगे ना, मेहनत करते रहोगे लेकिन खाना नसीब नहीं होगा, पहले भी बोल चुका हूँ। तो भाई थोड़ा सा भगवान पर भरोसा करो। और हम जहाँ भी जाते हैं ना, आपने इतनी सारी जगह देखा, वो भगवान की मर्जी थी तभी गए। अयोध्या, मथुरा, अब यहाँ आया हूँ, और मुंबई गया था, जाऊँगा, उसकी मर्जी होगी ना तभी जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जय श्री राम।